कोमल ब्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग अब मैं शाम को शुरू कर रही हूँ। दिन में मैंने एक बार ब्लॉग कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब मैं शाम को शुरू कर रही हूँ। आप लोग सोचेंगे मैं ये ऐसे खुल के रखती हूँ, आप लोगों को पता है ये लकड़ी के हैं और अगर हम इन्हें बंद रखते हैं तो इनमें बदबू हो जाती है, तो आप लोग भी ऐसे खुल के रख सकते हैं, जब आपका बाहर जाता है इससे इनमें स्मेल नहीं होगी। और अभी मैं थक गई हूँ, सो के भी थक जाती हूँ मैं। तो मैं बनाने वाली हूँ चाय अपने लिए, चाय तो मैं फटाफट से चाय बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं सो गई थी, आने के बाद मैं सो गई थी। तो अब चाय अब सोती है, अभी नींद आती, अब हम चाय पीती, तब हमारी नींद चपती। पानी और हमने चढ़ा दी मेरी चाय, फट से चाय थोड़ी बहुत पी ली जाए। तो ये बन रही है हमारी चाय। मैंने ना कल की कुछ वीडियोस में देखा है, जो बाबा का विसर्जन है ना, बहुत मतलब बहुत गंदे तरीके से बाबा को क्रेन से तोड़ा जा रहा है और मतलब बहुत गंदे तरीके से उनका विसर्जन किया गया। और कई तो ऐसे लोग हैं विसर्जन के चक्कर में उन्हें वहीं घाट के साइड में छोड़ा है और वहाँ पर उन्हें अजीब से लोग पैर मार मार के चल रहे हैं, क्रेन से तोड़ रहे हैं उनको, ऐसे करके उनके साथ किया जा रहा है। अगर आप लोग सेवा नहीं कर सकते तो बेशक से मत लाओ, बहुत बढ़िया होगा, आप नहीं लाएंगे क्योंकि अपने लिए पाप नहीं कमाएंगे। लेकिन आप जिस तरीके से उन्हें ला के उनकी गत पिटवा रहे हो ना भाई, मत करो, इन फ्यूचर अपने कर्मों में जुड़ा जाएगा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, मत करो मत करो भाई मत करो। सच में बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से किया जा रहा है। बेशक से उन्हें लाओ मत, कोई बात नहीं, वो बेशक से उन्हें लाओ मत, वो चल जाएगा, लेकिन अपने इन फ्यूचर के ना कर्म खराब मत करो। आज तुम नहीं आएंगे तुम्हारे आगे, लेकिन इन फ्यूचर में ना तुम्हारे बच्चों के आगे आएंगे यार, नहीं तो बच्चों के नहीं आगे आएंगे लेकिन तुम्हारे भी अगर आगे आए ना तो सच में गत बहुत ख़राब होगी तुम्हारी। मत करो ऐसे, किसी भगवान को नहीं तुम वो कर सकते तो बेशक से उनकी गत मत पिटवाओ। सच में मुझे देख के इतना दर्द हुआ ना, हम लोगों के हिंदुओं में मतलब कदर नाम की चीज़ नहीं है, हम लोग खुद ही कदर नहीं करते तो दुनिया क्या कदर करेगी। सच में मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देख के, मत करो भाई मत करो। मैं ना आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर रही हूँ, कहीं भी किसी भी तरीके की प्रतिष्ठा मूर्ति या कोई भी मिलती है, अगर आपके यहाँ पूजती हैं या कोई भी माँ हो या कैसे भी, अगर आपके यहाँ पूजती हैं तो उन्हें अच्छे से नहला धुला के उन्हें विराजमान कीजिए, आपके कर्म ही सुधारेगी, वो कुछ ना कुछ आपको देंगी ही, आपसे लेंगी कुछ नहीं। और अगर आपके यहाँ नहीं पूछते हैं तो आप सिद्ध पीठ से साईं काल का मंदिर में जाके दे के आप आ सकते हैं उसको, वो हम लोग विराजमान करें या किसी बच्चे के यहाँ सेवा के लिए दें, वो हमारी हेडेक है, आप लोग आके मंदिर में माँ को दे सकते हैं। पर प्लीज़ अगर आपको मिले तो ज़रूर आप लोग उन्हें वहाँ बैठे मत रहने दीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को ऐसे बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता। अगर आपको ऐसा कुछ में होता है, आपको मिलती हैं कोई भी फोटोज़ मूर्तियाँ कुछ भी मिलती हैं, तो आप सिद्धपीठ से साईं काल का मंदिर देखे जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में भी उन्हें नहला धुला के विराजमान कर सकते हैं। मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी हर एक वीडियो में ये आपको ज़रूर मैसेज छोड़ा करूँगी कि आप लोग को कभी भी कोई भी मूर्ति या कोई भी फोटो मिलती है अगर आपके यहाँ विराजमान होती हैं तो आप विराजमान कीजिए, उनकी गत मत पीटने दीजिए, क्योंकि हम अपने माँ बाप को बाहर छोड़ के आते कितना दर्द रहता है ना, कितना दर्द महसूस होता है, तो हम उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मेरा मैसेज हर रोज़ हर एक दिन आपको यूट्यूब पर मिला करेगा, चाहे मैं शॉर्ट्स में डालूं चाहे मैं किसी में भी डालूं, लेकिन मैं डाला करूंगी, इंस्टा पर डालूं, पर क्योंकि मेरे को देख के दर्द हुआ भाई। हम अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं कर सकते, आखिर वो भी दुनिया के माँ बाप है तो हमारे माँ बाप है। तो प्लीज़ 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 आप लोग जितना सपोर्ट कर सकें मुझे करें, वीडियो शेयर करें इंस्टा पर, मैं आपकी वीडियोज़ यूट्यूब पर भी शेयर करूँगी, ज़रूर मुझे बताएं कि आपने कहाँ से वो उठाई हैं और कहाँ से आप लोगों को मिली है ये चीज़, मेरे को उस पर मेंशन करके ज़रूर भेजें। ये एक बच्ची गन्नू लेके आई है कहीं से और उसने मेरे साथ फ़ोटो शेयर की है कि ये मुझे मिले हैं, थैंक यू सो मच। आगे से जब भी आप लाओ तो वीडियो शेयर ज़रूर करना और हम जितना हो सकेगा हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। संडे के बज रहे हैं 12 और मैं वीडियो मॉर्निंग की नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं जल्दी उठ तो गई थी लेकिन कामों में लगी थी,
और मैंने जो हम लोगों ने जो एक नई पहल की है, जो कि पहल पहले से ही दरबार से हो रखी है, लेकिन वही है बच्चे भूल जाते हैं, तो वो चीज़ हमने जो दोबारा स्टार्ट की है, और उस चीज़ के लिए मुझे बहुत सारे बच्चे लिंक भेज रहे हैं, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे फेसबुक लिंक जो आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, वो मैं शेयर भी कर रही हूँ साथ के साथ। तो आप लोगों का सपोर्ट और अगर मेरे को ऐसे ही बना रहेगा तो मैं पक्की बात है, 1 महीने में अगर हमने 20 मूर्तियाँ भी इकट्ठी करके माँ को विराजमान किया तो कहीं ना कहीं हमें भी पुण्य मिलेगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है वीडियोस कैसी लग रही हैं।